अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ अली। और आज की वीडियो दोस्तों हमारी ये रिम है, उसका हम झूला बनाएंगे बेड के लिए। और ये हमें कितना बैठा और इसकी कितनी कॉस्ट आती है अगर हम झूला बना कर लगाते हैं अपने केच के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले नए दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो मेरी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास एक रिम है, साइकिल का रिम है जिसे हम साइकिल का पहिया बोलते हैं, ये वो है। और बाकी जो है मैंने इसको लगाना शुरुआत करते हैं हैमर मशीन से। और मुझे इसमें चार गिट्टी करनी होती है, हम दीवार में चार गिट्टी कर सकते हैं। और ये कितना रुपए का बैठा, और ये बैठा मुझे कबाड़ में से, पुराने कबाड़े में से जो है मैं ले आया था कबाड़े की दुकान से, तो 80 रुपये का पहिया हो गया। ये कबाड़े में मिल गया था मुझे, काफ़ी सस्ता मिल गया था, तो ये 80 रुपये पहिया था। और बाकी पत्ती जो मैंने लगाई है वो पत्ती हो गए, अभी मैं इसको लगा देता हूँ। तो ये दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये लकड़ी बांध दी है टायर के अंदर, और पत्ती है यहाँ पे हमने हमारी पत्ती है। बाकी इस पत्ती में 150 की पत्ती मेरी यहाँ पे है अंदर, इस पर हमने खींच रखा। ये 150 की पत्ती है, आपको मैं एक बार नजदीक से हूँ, ये देख सकते हैं ये 150 की, 150 से 200 की पत्ती है। मैंने इसमें सुराख कर रखे हैं, चार सुराख करे हैं, एक सुराख मैंने बड़ा कर रखा जो साइकिल का धुरा होता है उसके अंदर पहुंच जाए। एक नट हमने अंदर से खींचा, एक बाहर से खींचा, ये उसके नट के हिसाब से मैंने उसमें पत्ती में सुराख कराया था। और ये काफ़ी अच्छे से मजबूत तरीके से खींचा, देख सकते हैं मैंने। और जैसे बर्ड आन के यहाँ बैठेगा तो बहुत आराम के साथ में झूला भी झूलेगा। और जो नट था जो हमने पीछे से खींचा पत्ती के, वो दीवार के अंदर हमने बिठा लिया बराबर करके। और बाकी देख सकते हैं पहिया बिल्कुल फ्री है। और मैंने इसके अंदर चार स्टिक बांध रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बैठने के लिए चार स्टिक बांध रखे हैं। किधर ही भी किस सेट में आन के बैठेगा बर्ड तो ये ऑटोमेटिक घूमना शुरू कर देगा, ये देख सकते हैं। और ये ऐसे मानो 80 रुपये मेरा ये रिम हो गया और 20 रुपये की पत्ती हो गई, तो 100 रुपये में मेरा ये झूला बन गया है। और बहुत आसान तरीके से, आप चाहो तो नया लगाना चाहो तो नया भी लगा सकते हैं, और पुराना चाहो तो पुराना भी लग सकता है। तो मेरे हिसाब से तो आप पुराने लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने पुराना ला के लगाया है और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर है और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। और बर्ड है इससे काफ़ी खुश रहते हैं, और मैं देखना चाहता हूँ अभी बर्ड कितनी देर के बाद आन के बैठेंगे यहाँ पे, आन के बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। बैठेंगे तो ज़रूर, लेकिन अभी नहीं बैठे हैं, अभी डर भी बहुत ज़्यादा रहें। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है यहाँ पे तरीके से, हम अगर बर्ड को अपनी अच्छे से अच्छे केयर करेंगे और अच्छी डाइट देंगे तो व्यूअर्स आपके यहाँ बहुत अच्छी ब्रीड होगी। मेरे यहाँ जैसे हुई है ब्रीड। और ये झूला मेरा हिसाब से कंप्लीट हो गया, और बाकी मैं देखता हूँ बर्ड कितनी देर के बाद आन के बैठते हैं। तो अभी हम चलते हैं कॉलोनी के बाहर, फिर देखेंगे कितनी देर के बाद आन के बैठते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा हो गया भैया हमारा, ये लग गया, हम चलते हैं कॉलोनी के बाहर। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने अभी लगाया था और अभी ही एक बर्ड आन के बैठ गया उसमें बजरी, और मेरे जाने के बाद और भी आएंगे, अभी डर भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा। कॉलोनी में जो हैमर मशीन से हमने सुराख करा था काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बैठे कुछ दाना भी खा रहे हैं, मैंने 100 फुट डाल रखा है, 100 फुट खा रहे हैं। और बाकी देखते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा छोटा सा एक फार्मूला, और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा ये। और देखते हैं बर्ड जो है मेरे पास काफ़ी खुश हो रहे हैं, और ब्रीडिंग जो है काफ़ी अच्छी चल रही है। और अगली वीडियो में मैं इसके जो है इसके हम वो दिखाएंगे, ब्रीड चेक कराएंगे बजरी की। ये इस तरह से हैं, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से झूल रहे हैं यहाँ पे। तो अभी जो है डर भी रहा है मैं इनके धोरे जो बैठा हूँ, और जब मैं चलाया हूँ कॉलोनी में से तो आन के पास में इसमें रिंग में आन के ज़रूर बैठेंगे, देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे, और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़, थैंक यू।